चार दीवारी को यदि कोई घर बना सकता है तो कहते हैं वो सिर्फ माँ हो सकती है, और यदि ये जमाने में जिम्मेदारियों का एहसास दिला सकता है तो वो सिर्फ एक पिता। और ये वीक चूँकि फादर्स डे का है, 19 जून को फादर है, तो मेरी भी कविता फादर्स के लिए है। तो क्योंकि माँ तो सबके लिए बहुत प्यारी होती है, और माँ के लिए बहुत सारी कविताएँ, बहुत कुछ कहा जाता है, क्योंकि बच्चे खूबसूरती से जुड़े रहते हैं अपनी माँ से। एक पिता जो छुपा रहता है, और पिता क्या होता है जब वो नहीं होता है या उनकी कमी महसूस होती है, तब समझ में आता है कि हम भी पिता से कितना प्यार करते हैं, वो हमको भी बाद में एहसास होता है। तो उनके लिए है कि पापा बहुत याद आते हैं, पापा बहुत याद आते हैं, जब माथे पर शिकन आने लगे, जब माथे पर शिकन आने लगे ये दुनिया तुम्हें सताने लगे, जब माथे पर शिकन आने लगे ये दुनिया तुम्हें सताने लगे, तब पापा बहुत याद आते हैं। जब मायके में हक कहीं खोने लगे, जब मायके में हक कहीं खोने लगे, घमंड खुद का टूटने लगे, तब पापा बहुत याद आते हैं। जब सिर पर हाथ कोई फेरता ना हो, बेटी कहकर कोई पुकारता ना हो, जब सिर पर हाथ कोई फेरता ना हो, बेटी कहकर कोई पुकारता ना हो, तब पापा बहुत याद आते हैं। जब आपके कंधे को कोई सहलाता ना हो, मैं हूँ ना तू फिक्र न कर, ऐसे सब जब गूंजते ना हो, तब पापा बहुत याद आते हैं। जब अनचाहे रिश्ते हों या घर की जिम्मेदारियाँ, जब अनचाहे रिश्ते हों या घर की जिम्मेदारियों को उम्र से पहले निभाना पड़े, तब पापा बहुत याद आते हैं। घर की छत जब हिल जाए, घर की छत जब हिल जाए, रिश्तों की असलियत सामने आ जाए, तब पापा बहुत याद आते हैं। जायदाद का बंटवारा हो जाए और दिलों में करवाहट भर जाए, जायदाद का बंटवारा हो जाए और दिलों में करवाहट भर जाए, तब पापा बहुत याद आते हैं। जब तुम पर कोई गर्व करने वाला ना हो, जब तुम पर कोई गर्व करने वाला ना हो और आपकी पीठ कोई थपथपाता ना हो, तब पापा बहुत याद आते हैं। जब हौसलों की दीवार गिरने लगे, जब हौसलों की दीवार गिरने लगे, संघर्ष जीवन में महसूस होने लगे, तब पापा बहुत याद आते हैं। खुद पर भरोसा जब टूटने लगे, खुद पर भरोसा जब टूटने लगे, बचपन तुम्हारा पीछे छूटने लगे, तब पापा बहुत याद आते हैं, तब पापा बहुत याद आते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट है, मेरे 2018 में मेरे पापा मतलब एक डॉक्टर की मिस्टेक के कारण कोमा में चले गए थे, और उनका बचना मतलब पॉसिबल नहीं था, डॉक्टरों ने मना भी कर दिया था, लेकिन वो 6 मंथ बाद वापस होश में आए। और मतलब जब मेरी शादी को 19 ईयर्स हो गए हैं, 16 ईयर्स तक मेरे पापा, जब मैं मायके जाती थी मेरे पापा मुझे कभी छोड़ने नहीं आते थे, मतलब मेरे जाने के पहले, ससुराल जाने के पहले वो घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो नहीं देख सकते थे मैं घर से विदा हो रही हूँ। तो जब ये लास्ट ईयर की बात है, जब मैं पापा के पास गई और मैं आने वाली थी, उस टाइम पापा जस्ट होश में आए थे, तो हम हर पल वेट करते रहते थे कि पापा हमसे कुछ बोलें, कुछ उनको पुराना याद आए, पूरी कोशिश करते रहते थे, तो लेकिन हमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था। उनकी फिजिकली कंडीशन अच्छी होने लगी थी पर मेंटली नहीं। जब मैं आने लगी तो सडनली जैसे ही मैंने अपना सूटकेस उठाया तो पापा एकदम से रोने लगे। जब उनने वो रोए तो मैं इतनी खुश हुई, शायद ही अपने पापा को रोकते दे कितनी कभी खुशी होती होगी। तो उस दिन मैं अचानक से सूटकेस छोड़ी और मैं मतलब उनके सामने आके मतलब इतनी खुशी हुई कि अरे वाह, मतलब पापा मुझे शायद जाता नहीं देख पा रहे इसलिए रो रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे अपन कभी कोई आता है ना, बड़े जाते हैं तो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं, तो वो मुझसे बोलते हैं तू जा रही है मुझे पैसे तो दे ही नहीं रही। तो ये चीज़ मुझे मतलब मुझे और सडनली मतलब मुझे एहसास हुआ कि पापा तो वापस आ गए हैं, लेकिन अभी उनका मेंटली वो जो एहसास है वो शायद बच्चे में तब्दील हो गए हैं। तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, कोई बात नहीं, मैंने पर्स से पैसे निकाले और उनको दिए, वो खुश हो गए बच्चों की तरह। और मैं वापस अकेले, चूँकि मुझे अकेला आना था वापस मुंबई, पूरे रास्ते में मुझे नींद नहीं आई, और मुझे उस दिन क्या हो रहा था मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये 3 सालों में हमने कभी मतलब पूरा जीवन हम सिर्फ माँ के लिए बताते रहे, माँ अच्छी, माँ ये, माँ वो, पर पापा क्या होते हैं, हम पापा से कितना प्यार करते हैं, शायद मुझे भी अभी 3 साल में एहसास हुआ। ये फ़ोन जो पापा का बजता था, हम कह देते थे कि पापा अभी थोड़ी देर बाद लगाती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, हम लड़कियाँ सब गृहस्थियों में इतनी बिजी हो जाते हैं, लेकिन मैं 3 साल इंतज़ार करती रही, हर दिन मैं अपने खोल के देखती शायद आज पापा का फ़ोन बजेगा, शायद आज पापा का फ़ोन बजेगा, पर नहीं बजा।
तो आप सब लोगों से विनती है कि इतने प्यार मोहब्बत अपन जो चार दिन के लिए अपन इतना तरसते हैं, जो माँ बाप आपको हर पल याद करते हैं, उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उनको हर पल ये जताओ। आप अपन सब इतने बड़े हो गए कि नहीं, आप हम भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप हमको करते थे। थैंक यू।